प्रथम तहलका न्यूज। विधानसभा के जो मतदाता हैं उनका 91 से लेकर अब तक के सातवां मेरा चुनाव है। लगातार इनका सदा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। आज भी मैंने अपील की है और इस गांव के सभी लोग मुझे अपना परिवार का सदस्य समझ करके मुझे जन समर्थन देते हैं, तो सभी समाज के लोग यहाँ सामने बैठे थे, तो इसलिए मैंने इनके बीच में एक ही वायदा किया था कि सिंह परस्थाना गाँव हमारा अपना गाँव है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेबर क्लास लोग रहते हैं। यहाँ पर जिस तरह शिक्षा की कमी की थी, हमने इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया। अब जैसे हमारी SC चौपाल है, BC हमारे बैकवर्ड क्लास के चौपाले हैं वो पहले बन चुकी थी, अब वाल्मीकि समाज की चौपाल, धानक समाज और SC समाज, कश्यप समाज की चौपालना जो ग्रांट हमने अभी दी है वो सारे कार्य कम्प्लीट हो जाएंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उन सबको हम पूरा करेंगे। इस राणा के लिए कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स, ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो आपके रह गई और अगले 5 साल? इसके लिए मोटा मोटा तौर पर हमने लगभग सारे काम काबू पाए हैं। छोटी मोटी जो समस्याएं हैं हम उनको पूरा करेंगे। हर आदमी आगे कह देगा मेरा गांव, लेकिन दिल से कहता हूँ सिठाणा गांव मैंने कहा था मेरा है और मैंने अपना करके दिखाया है। आज ये सातवां चुनाव है जो मैं सिठाणा गांव में आशीर्वाद लेने के लिए गुरु घर में मंदिर में मैं आपके बीच में आया। पहली बात नहीं बताऊंगा पत्रकार है, उत्तर प्रदेश के पंचायत मंत्री हैं चौधरी जी, उन्होंने विशेष तौर से माननीय मनोहर लाल के आशीर्वाद से, सुभाष बराज के आशीर्वाद से मुझे दोबारा प्रत्याशी बनाया। आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूं। दूसरा अपनी बात में शुरू करूं, कभी जाने में अनजाने में वैसे तो मेरे स्वभाव को आप समझते हैं, जानते हैं, आपसे ज्यादा मेरे स्वभाव को कोई नहीं समझता, फिर भी इंसान गलती का पुतला है, मेरे से कोई गलती हुई हो, भाई के प्रति, बुजुर्ग के प्रति, बहन माता के प्रति, तो भरे स्वभाव में मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुझे अपना भाई और बच्चा समझ कर आप मुझे माफ भी करें। तो मेरी उराक है, हाँ हेलू दर्ज है करने बात है। इस गांव जब आता हूं मैं मेरी थकावट को सब आ जाती है सतीश भाई अपने परिवार में आके, तो इसलिए मैं सिठाणा गांव की 36 बरादरी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं मास्टर जी, कितना प्यार सम्मान सिठाणा गांव ने सिंहपुराण सदा मेरे को दिया। अब चुनाव का माहौल है, आपके आशीर्वाद से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी सरकार बनी, 2014 में आपके आशीर्वाद से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार बनी, अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाई अमित शाह जी ने, JP नड्डा जी ने, अनिल जैन जी ने, नरेंद्र हमारे जगत जा पंच परमेश्वर ये भगवान करता है, मेरे को 5 वोट आई, फिर आया मैं जीत के। मैंने कहा कि मैं सिठाणा गांव के जिन 5 आदमियों ने वोट डाले हैं भगवान ने दिलवाए हैं, जा पंच परमेश्वर, उसके बाद सिठाणा गांव ने मुड़कर ये देखा, अपना भाई और अपना बच्चा समझकर गले को लगा करके कभी हार नहीं होने दी गांव से, कभी हार नहीं, इसलिए मैं सिठाणा गांव और सिंहपुरा गांव की 36 बरादरी को इतना जीवंगा, इतना आसान बंद है
और आपके चरणों में बार बार मैं नमन करता हूँ।